हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडीज। आशा करछि समस्ते भलरे अछो ओ एग्जाम पै प्रिपरेशन जोरसोरे चलै छ। आजिर साइंस क्लास रे आमे तमरो बायोलॉजिकल अडॉप्टेशन ऑफ लिविंग बीइंग जोथिला तार आमे टोटल तो थ्योरी कंप्लीट कर दे छि। आज किछि थ्योरी टाइम रे आमे किछि क्वेश्चंस एमसीक्यू डिस्कशन करथले। आज ओनली आमे एमसीक्यू डिस्कशन करबा। जो माने भी थ्योरी क्लास गुडा को कंप्लीट करनो, फर्स्ट जे कि थ्योरी क्लास गुडा को कंप्लीट कर दियो, सो दैट करनो एमसीक्यू कला कोनो तमरो प्रैक्टिस हे जइबो। ओके, आउ जदि भी तमे थ्योरी क्लास गुडा चाहछो चैनल ऑफ प्लेलिस्ट को पढ़ेबो, सेठी सब जिंस तमको सिस्टमैटिक वे रे सब प्रैक्टिस सेट आउ जते सब क्लासेस थ्योरी विथ एमसीक्यू जते सब प्रैक्टिस टिल नाउ कंप्लीट हे जइ सब जिंस तम मानको मिलि जइबो। ओके, तो चलो देरी न करकी आजर क्लास स्टार्ट करबा। आजर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 समस्तनको विजिबल हैला कोन छै। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कोन दै छै, व्हाट डिड द एनिमल एंड प्लांट नीड टू सर्वाइव इन देयर एनवायरनमेंट। ताकर एनवायरनमेंट रे, रेस्पेक्टिव एनवायरनमेंट रे सर्वाइव करिया पई प्लांट आउ एनिमल मन को कोन कोन दरकार, न्यूट्रिशन दरकार ना ग्रोथ दरकार ना से माने अडॉप्टेशन करि परिबे ना तांको हैबिटेट दरकार। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना रेस्पेक्टिव एनवायरनमेंट रे तांको सर्वाइव करिया अछि, तण करना तबे से माने से एनवायरनमेंट रे अडॉप्ट करि परथिबार अछि। सो क्वेश्चन नंबर 1 रो करेक्ट आंसर कोन हिजबो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हैला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कोन दिछि, देखो इन मेकिंग एनिमल एंड प्लांट सस्टेन इन देयर एनवायरनमेंट हु हेल्प। गोटे प्लांट माने जते सब प्लांट अछन्ति आउ जते सब एनिमल अछन्ति तांकर रेस्पेक्टिव एनवायरनमेंट रे तांकु सस्टेन करबारे के हेल्प करथाय, तमरो इवोल्यूशन ना रिप्रोडक्शन ना ग्रोथ ना इनहेलेशन। त तार करेक्ट आंसर कोन हि जइबो ना इवोल्यूशन। जदि जणे गोटे प्राणी बा गोटे उद्भिद तार एनवायरनमेंट अकॉर्डिंगली से निजको इवोल्व कर पाउछि, तबे से कोन से आराम से एनवायरनमेंट रे से निजको अडॉप्ट कर नबो। सो क्वेश्चन नंबर 2 रो करेक्ट आंसर कोन जो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन छ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कौन दै छ, देखो व्हेयर डिड द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड। माने दुनिया रो प्रथम लिविंग ऑर्गेनिज्म कोठु ओरिजिनेट हेतिले, तमरो ऑन लैंड ना इन वाटर ना इन स्पेस ना कोटा भी नहीं। तो देखो आमे समस्त जानि छु हमरो प्रथम ओरिजिन माने जो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड कोठु हेतिला ना तमरो जल भागरु। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना इन वाटर। सो क्वेश्चन नंबर 3 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड कोउडा ना तमरो बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आसला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कोन देखि देखो, ओके व्हिच ऑफ दिस स्टेम मॉडिफाइड आर सीन इन द एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक प्लांट गुडा रे तमरो को टाइप रो स्टेम रो मॉडिफिकेशन देखा जाय थे, तो ताको कोन कह जाय थे ना ऑफसेट। सो क्वेश्चन नंबर 4 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एगुडा मेनली तमरो जो ए मॉडिफिकेशन ना देखा जाय थे, एटा तमरो कोन ना तमरो जेंति रहला पिस्टिया सेतिर देखा दे थे। ओके, से नेक्स्ट से क्वेश्चन रहै छी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कोन दिछि, देखो इन सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 ना व्हिच एक्वाटिक प्लांट प्लांट सब एक्चुअली एटा व्हिच एक्वाटिक प्लांट्स मॉडिफाइड स्टेम आर कॉल्ड ऑफ स्टेम। तो यार करेक्ट आंसर कोन हि जइबो ना पिस्टिया। सो क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन विजिबल हैला हम। एबे देखो कोन देछ ना तमरो हाइड्रिला पिस्टिया ओपुंजिया लोटस, व्हिच ऑफ दिस फोर प्लांट आर डिफरेंट बेस्ड अपॉन देयर अडॉप्टिव फीचर। तो देखो तमरो हाइड्रिलाटा कोन ना तमरो तमरो एडा को टाइप रो प्लांट रे जीवो, एडा तमरो हाइड्रोफाइट टे। नेक्स्ट पिस्टिया, एबे टिके अगरु पढ़लु कोन ना एडा भी तमरो कोन ना गोटे हाइड्रोफाइट टे। ओपुंजिया बट तमरो ओपुंजिया ओपुंजिया रे बने तमरो कोन ना सप्तफेणीटा, सप्तफेणीटा कोन ना तमरो कोन ना एडा गोटे तमरो जेरोफाइटिक प्लांट टा, जेरोफाइटिक प्लांट टा, जेरो फाइटिक प्लांट टे। आउ लोटस टा भी तमरो कोन ना एटा भी गोटे तमरो कोन ना हाइड्रोफाइट टे, हाइड्रोफाइट टे। तो एत्रो कोन हला तमरो हाइड्रिला भी हेगला हाइड्रोफाइट, पिस्टिया भी हेगला हाइड्रोफाइट, लोटस भी हेगला हाइड्रोफाइट, बट ओपुंजिया इज एन एग्जांपल ऑफ जेरोफाइट। सो डिफरेंट पचेरची, सो द करेक्ट आंसर कोन हिजबो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कोन दिछि, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक मामल, ओटा गोटे तमरो एक्वाटिक मामल लोटे, व्हेल ना कैटफिश ना टॉर्टोइस ना टर्टल्स। ओके, तो द करेक्ट आंसर कोन हिजबो, व्हेल्स आर द एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक मामल। सो क्वेश्चन नंबर 7 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। व्हेल रे भी हबो तमरो डॉल्फिन, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्वाटिक मामल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दैछि, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कोन छ तमरो, देखो
which among the following plant leaves are modified to thorns tomaro ko plant gudaro tomaro kona mane kona leaf guda tomaro kon hei jaithe na kothre modified hei jaithe na tomaro konta re modified hei thai to dekho jota tomaro ame janichu xerophytic plant gudare kon hei thai na tomaro leaves guda tomaro konta re poronoto hei jaithe to eti dekho tomaro kona eta hegala tomaro kaharo eta tomaro ko plant ta eta asila tomaro hydrophytes te okay next opuntia ebe tikia group pollu eta kona tomaro xerophytic plant te next stone apple mane kon tomaro jo bello eta tomaro ko types of plant re jibo eta mainly tomaro mesophytes re nei paribo yaku okay to eta hegala tomaro kon na mesophytes re thik achi to the correct answer kon hi jibo se question kon pachar china plants ro leaf are modified to thorns mane xerophytic plant hi thibo to tar correct answer kon hegala question number 8 ro option number b is the correct answer next question number 9 kon dechi dekho इन ह्विच रीजन डू द सकुलेंट ग्रोथ्स एटा को टाइप्स रो देखा जाय थाय ना एटा तमरो डेजर्ट प्लांट रे मेनली देखा जाय थाय सो क्वेश्चन नंबर 9 द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट कोन छ तमरो देखो एक्चुअली सकुलेंट तमरो कोन हुआ तो जो तमरो कोना यूजुअली एटा तमरो देखा जाय थाय को गुडा ना तमरो माने एटा हो जे गोटे माने टेंडेंसी रे जोटा कि तमरो स्टोर माने जो लीव्स गुडा को टिके फिशी करथाय और जोटा कोन तमरो एथे वाटर को माने सस्टेन स्टोर करके रखबारे हेल्प करथाय एटा तमरो को टाइप रो प्लांट देखा जीवो ऑब्वियसली डेजर्ट जो गुडा थाय सो क्वेश्चन नंबर 9 द करेक्ट आंसर कोन गला ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट नेक्स्ट कोन छि ना क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कोन छि देखो व्हिच पार्ट ऑफ जेरोफाइट्स प्लांट आर कन्वर्टेड इनटू थॉर्न्स तमरो को पार्टटा जेरोफाइटिक प्लांट रो थॉर्न रे कन्वर्ट हो जैथाय कोंटा रे परिणत होय थाय ना तमरो लीफ ना स्टेम ना फ्लावर ना फ्रूट तदर करेक्ट आंसर कोन हि जीवो ना लीव्स आर मॉडिफाइड टू थॉर्न्स कोन पई ना तमरो जो तमरो ट्रांसपिरेशन द्वारा वाटर लॉस को कमे बा पई तमरो कोना तो लीव्स गुडा थॉर्न को कन्वर्टेड बा मॉडिफाइड हि जाय थांती सो क्वेश्चन नंबर 10 द करेक्ट आंसर कोन गला ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 कोन छ तमरो देखो इन व्हिच प्लांट सनकेन स्टोमाटा इज सीन तमरो डायरेक्ट क्वेश्चन तते कोन ना सनकेन स्टोमाटा तमरो को थे देखा जे थे ना तमरो जेरोफाइटिक प्लांट रे सनकेन स्टोमाटा मेनली तमरो हेल्प कोन करि थाय ना तमरो एटी जो वाटर लॉस थाय ते ताको प्रिवेंट करि बारे हेल्प करि थाय तो तार करेक्ट आंसर कोन हेगला क्वेश्चन नंबर 11 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कोन देछि देखो whose waste product are only uric acid ko gude ro tomaro main na fish na mammals na birds kaharo tomaro jo waste product uda thai sethre bas only uric acid thai to tar correct answer kon hi jibo na birds so question number 12 ro option number d is the correct answer next question number 13 okay question number 13 kon dechi na dekho through which part does the photosynthesis occur in xerophyte xerophyte mane tankaro ko part dwara tankaro photosynthesis mainly karthanti tamaro scaly leaves na modified stem na roots na chlorophyll to tankaro dekho se mane mainly tamaro ko thre kon karthanti na photosynthesis photosynthesis tankaro ko thre karthanti na tankaro stem dwara tankaro stem ta modified jete jota re ki jaha dwara ki se mane photosynthesis karthanti so question number 13 the option number b is the correct answer next question number 14 question number 14 कौन देखिए देखो क्वेश्चन नंबर 14 कौन अच्छी देखो एयर प्लांट्स दैट ग्रो ओपन अदर प्लांट फॉर फिजिकल सपोर्ट तमरो जो प्लांट गुडा कोना फिजिकल सपोर्ट पे आ गोटे प्लांट ऊपर ग्रो करथांती से गुडा को तमरो कोन को जाय थे तो तार करेक्ट आंसर कोन हि जीवो ना एपिफाइट्स सो क्वेश्चन नंबर 14 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 असला ना जस्ट अ सेकंड ओके क्वेश्चन नंबर 15 कौन अच्छी देखो which one of the following animal excretes solid urine sorry ha solid urine koda tamaro solid urine excrete karthai to tar correct answer kon hijibo so question number 15 la option number b is the correct answer konna kangaroo rat okay next question number 16 kon asila animals that spend most of the time in air jo animal guda tankar most of the time air re spend karthanti tanko kon kua jai thai na aerial animals so question number 16 ra option number a is the correct answer next question number 17 kon achi tumar dekho animals that live in tree jo animal guda tamaro most of time tree re roithanti tanku bhi kon ko jai thai na aerobial ba aerial animal so question number 17 ro bhi correct answer kon hela na aerobial animal okay so question number 17 ro kon hela option number a is the correct answer next question number 18 kon achi dekho what are the plants living in the
ओके व्हाट आर द प्लांट्स लिविंग इन द सेडेड रीजन कॉल्ड जो प्लांट गुड़ा तुम सेडेड रीजन में रही था तांको कौन कहा जाए तुम हाइड्रोफाइट्स ना मेसोफाइट्स ना सीओफाइट्स ना तुम हाइड्रोफाइट्स डबल हो जाए ओके तो तार करेक्ट आंसर कौन हो जो गुड़ा तुम सेड मैंने कौन ना जो गुड़ा छाई छाई लिविंग प्लांट गुड़ा था कौन कहा जाए था ना तुम सीओफाइट्स सो क्वेश्चन नंबर 18 द ऑप्शन नंबर डी इज सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर तुम सेड लिविंग जो गुड़ा था कौन प्लांट तांको कौन कहा जाए था ना सीओफाइट्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे क्वेश्चन नंबर 19 कौन देखिए देखो एनिमल दैट लिव इन बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर जो मैंने तुम लैंड रे भी रही पारती और वाटर रे भी सर्वाइव करती कौन कहा जाए था ना एम्फीबियन सो क्वेश्चन नंबर 19 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कौन अच्छे तुम देख ओके एनिमल्स दैट एनिमल लिविंग इन वाटर जो एनिमल गुड़ा तुम वाटर रे लिव मैंने बास कर कौन कह जाए था ना आक्वाटिक एनिमल सो आक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ओके सो क्वेश्चन नंबर 20 रो करेक्ट आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर एरोवियल को गुड़ा को कह जाए था जो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम कौन ना ए मैंने जो कौन मैंने एयर रे स्पेंड कर फॉर एग्जांपल हो गला तुम बार्ड्स तुम गुंडुची मूसा हो गला गोटे माकड़ ऑल दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ एरियल आउ एरोवियल ए दुटा सेम जिनस ठीक अच्छे एम्फीबियंस एम्फीबियंस टिके अगर कहली जो गुड़ा बहुत तुम लैंड एंड वाटर रे सर्वाइव कर पारती कौन कह जाए था ना एम्फीबियंस नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 कौन देखिए देखो वेयर आर द स्टोमाटा प्रेजेंट इन सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स कौथे तो कौटी तुम सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स स्टोमाटा गुड़ा प्रेजेंट था तो देख सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स गोटे एक्जामपल लिखी दूसरी तुम हाइड्रिला इज एन एक्जामपल अफ सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स ठीक अच्छे तो तुम देख स्टोमाटार मेनली कम कौन तुम गैसेस एक्सचेंज कर तुम वाटर लस को रेगुलेट कर कि कौन ना हाइड्रोफाइट्स अच्छी तो हाइड्रोफाइट्स कौन ना गैसेस एक्सचेंज सहित तुम वाटर को तो रेगुलेट करवा नेसेसरी ना तो मेनली तुम कौन ना सबमर्ज हाइड्रोफाइट स्टोमाटा प्रेजेंट ही नथाय सो क्वेश्चन नंबर 21 रा करेक्ट आंसर कोन हिबो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नो वेयर मोस्टली तमरो स्टोमाटा कोठी देखा जाय थाय ना तमरो लोअर सरफेस ऑफ प्लांट लिप्स रो लोअर सरफेस रे मेनली तमरो कोन स्टोमाटा प्रेजेंट थाय ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 गला क्वेश्चन नंबर 22 ना बे क्वेश्चन नंबर 22 कोन अछि तमरो देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडॉप्टिव फीचर ऑफ पोलार बियर कोडा तुम्हारा गोटे एडॉप्टिव फीचर नुहे तो तार करेक्ट आंसर कौन हो सो क्वेश्चन नंबर 22 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कौन अच्छे तुम देख द कोलेस्ट रीजन ऑन द अर्थ इज द कोलेस्ट रीजन कौटा हुए सब बड़े तुम कौन ना मेरु बा पोलर रीजन इज द कोलेस्ट रीजन ऑन द अर्थ सो क्वेश्चन नंबर 23 रा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कौन अच्छे तुम देखो रीड द जस्ट अ सेकंड कौन अच्छे तुम देखो एटा ओके कौन अच्छे देख जस्ट ए सेकेंड ओके कौन देखे देख रीड द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ कहार ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रो कोडा तुम एनवायरमेंटल कंडीशन बोली पचार तो देखो मेनली आम कौन जानू तुम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रे कौ जगह देखा जाए ना तुम इक्वेटर जगह तो से ओब्वियसली तुम हॉट एंड ह्यूमिडिटी रट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रो ऑप्शन नंबर वन टा करेक्ट अच्छी नेक्स्ट कौन अच्छे तुम देख अनइक्वल डे एंड नाइट लेंथ ऑफ डे एंड नाइट तो देख मेनली कौन हुए ना इक्वेटर जगह तुम मेनली तुम लेंथ ऑफ डे एंड नाइट आर इक्वल सो तुम करेक्ट आंसर कौन हो रीड सो ऑप्शन नंबर टू टा कौन स्टेटमेंट टू टा दिस इज नॉट एन तुम कौन ना कंडीशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बाकी गुड़ा तुम देख एबंडेंट रेनफॉल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी हुए लाइट आउ मॉइस्चर भी हुए दिस आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबंडेंट रेन फॉरेस्ट ओके बट तुम अनइक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इट इज दिस इज रॉन्ग वन सो कौन अच्छी आमको कंडीशन पचार ट्रू मैंने कौन हो ना वन हो थ्री हो फोर हो सो क्वेश्चन नंबर 24 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कौन देख द हम्प ऑफ कैमल स्टोर व्हिच टाइप ऑफ फूड रिजर्व कौ टाइप फूड रिजर्व थाई ना से फैट्स थाए सो क्वेश्चन नंबर 25 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26
26 कौन देछि तमर देखो एग्जांपल्स ऑफ जेरोफाइट कोन कोन ना तमर कैक्टस बबल बोथ और नॉन ऑफ दिस तो तर करेक्ट आंसर कोन जीवो कैक्टस इज एन एग्जांपल ऑफ जेरोफाइट सो क्वेश्चन नंबर 26 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 कौन देछि देखो इन व्हिच प्लांट डू स्टोमाटा ओपन एट नाइट को टाइप ऑफ प्लांट रे तमर स्टोमाटा गुडा राति रे ओपन हे थाय तो तर करेक्ट आंसर कोन हिजबो सो क्वेश्चन नंबर 27 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर सीएएम प्लांट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ को टाइप ऑफ प्लांट ता तमरो ना जेरोफाइट जेरोफाइटिक प्लांट तो देखो राति रे स्टोमाटा को ओपन हेले कोन हबो सेतिरे वाटर लॉस कम हबो सो क्वेश्चन नंबर 27 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 गला नेक्स्ट आसला तमरो 28 क्वेश्चन नंबर 28 कोन छ तमरो देखो व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट को स्टेटमेंट तमरो इनकरेक्ट अछि बोली पचारि छी ओके नेक्स्ट तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो सो क्वेश्चन नंबर 28 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बाकी तीन तीनटा जाक स्टेटमेंट तुम करेक्ट अच्छे बट तुम ऑप्शन नंबर सी रे जोटा अच्छे कौन ना डेजर्ट लिजार्ड हैव द एबिलिटी टू कीप द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट वन तो तर एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट कौन हो आम समस्त जानते कौन ना तुम डेजर्ट लिजार्ड गुड़ा एगुड़ा कौन ना तुम कोल्ड ब्लडेड एनिमल गुड़ा जहाँ कि तुम टेम्परेचर एज पर देयर सराउंडिंग से चेंजेस करती सो क्वेश्चन नंबर 28 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 कौन से देख प्लेस व्हेयर द प्लांट्स एंड एनिमल लिव नेचुरली जो जगह रे तमरो कोना प्लांट आउ एनिमल तंगरे नेचुरली से माने वासस्थली को कोन को जाय थे ना तमरो हैबिटेट सो क्वेश्चन नंबर 29 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कोन छ तमरो देखो प्लांट्स लिविंग इन फ्रेश वाटर आर जो तुम्हारे कौन प्लांट्स गुड़ा फ्रेश वाटर था तो कौन कहुए था हाइड्रोफाइट्स सो क्वेश्चन नंबर 30 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट नेक्स्ट कौन तुम क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 कौन अच्छी गिवेन बिलो सम ऑफ द एडप्टिव फीचर ऑफ एनिमल एटा तमर कोन कोन दिछि लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्राउन्स नेक्स्ट हला स्लिपरी बॉडी नेक्स्ट थिन व्हाइट फर व्हिच ऑफ देम आर द एडप्टिव फीचर ऑफ पोलर बियर ए क्वेश्चन दा अगुरु ऑथर डिस्कशन सर जाइछि तो एडा रहला तमर होमवर्क तो बस यार आंसर कोडा हबो कमेंट सेक्शन रे ए बी सी ना तमर डी लेखि कि जणेबो ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छ तमर देखो क्वेश्चन नंबर 32 आसला ना क्वेश्चन नंबर 32 कोन देछि द फ्लैट फाइन एंड मेंटेनिंग बैलेंस इन वाटर हेल्प्स द फिश टू चेंज देयर डायरेक्शन एंड हेल्प देम टू कोन पई तंगर ए सब काम रे तंको हेल्प कोडा करथाय ना क्वेश्चन नंबर 32 रो करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टेल ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 कोन अछि व्हिच ऑफ द प्लांट मेकानिकल टिश्यू इज बेस्ट को प्लांट रे तमरो जेरोफाइट ना मेसोफाइट ना प्लाज्मोफाइट ना हाइड्रोफाइट को टाइप रो प्लांट रे तमरो कोन ना मेकानिकल टिश्यू टा सबटु बेस्ट रे डेवलप्ड हे थाय तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो सो क्वेश्चन नंबर 33 रा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जेरोफाइटिक प्लांट रे कोन हे थाय ना तमरो मेकानिकल टिश्यू टा बेस्ट रे डेवलप हे थाय ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 गला क्वेश्चन नंबर 34 कोन छि देखो Small changes that take place in the body of single organism, और जो key points उड़ा को underline कर दूँ ची single organism over short period to overcome the small problem due to the change in the surrounding is called. इड़ा पूरा definition डा पढ़ाई ची तो याको कौन कौन जाता है? ना तो हमारा acclimatization. So question number 34 रो option number B is the correct answer. Okay. Next कौन ची ना question number 35. Question number 35 कौन ची देखो which of the following statement इज करेक्ट को स्टेटमेंट तो तुम्हारा करेक्ट अच्छी सेवेरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल मे शेयर द सेम हैबिटेट ठीक गोटे जमी तुम कौन ना ग्रासलैंड ग्रासलैंड हैबिटेट में कौन पढ़ू से तुम कौन ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट भी सही हैबिटेट रे रोचंती आउ कौन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स भी सही हैबिटेट रे रोचंती सो ऑप्शन नंबर जो सॉरी स्टेटमेंट ए टा तुम्हारा करेक्ट हो गला स्टेटमेंट बी टा कौन दिछि देखो ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट इन हैबिटेट आर अडॉप्टेड टू इट तो समस्त जे जहार अकॉर्डिंगली तांकर एनवायरनमेंट रे निज को अडॉप्ट करथांति सो स्टेटमेंट बी टा भी तुम्हारा करेक्ट अछि सो कोन ना बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट सो क्वेश्चन नंबर 35 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 बोला क्वेश्चन नंबर 36 कौन दिछि देखो water plant usually have well developed तो तुम्हारा तुम्हारा वाटर प्लांट बा तुम्हारा हाइड्रो
हाइड्रोफाइट्स रे हाइड्रोफाइट्स रे तुमरो कोन तुमरो कोगुडा वेल डेवलप थाई ना तुमरो एरेनकाइमा सो क्वेश्चन नंबर 36 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओके एति की गुडा थिला तुमरो बायोलॉजिकल अडॉप्टेशन ऑफ लिविंग बीइंग रो तुमरो एमसीक्यू क्वेश्चंस आमे माने ए चैप्टर टा टोटली कंप्लीट हे गला हमरा एटा यूनिट 4 रो फर्स्ट सब टॉपिक ते थिला कोना बायोलॉजिकल अडॉप्टेशन ऑफ लिविंग बीइंग तारो एमसीक्यू विथ थ्योरी आमे पूरा इन डिटेल्स रे कंप्लीट कर देलु ओके तो आई होप आज जेतिक भी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करा हला तमनकु भल लागिथिबो ओ क्लास टाकु तमने एन्जॉय भी करथिबो ओके तो एबे देखो तमनकर रहला टेलीग्राम रिगार्डिंग नोटिस ओके टेलीग्राम ग्रुप रे जो माने भी जॉइन हेनो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे जिवो सेत्रि जहा भी सब तमरो जेते सब प्लेलिस्ट रहला आउ कोन जहा भी तमरो वीडियो रो लिंक सब दिन से तमकु सेठी सिस्टमैटिक वे रे मिलि जिवो ओके आउ तमरो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक आउ व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक दिटा जको तमकु वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे मिलि जिवो आशा करछि आजरो क्लास टा समस्तनकु भल लागिथिबो ओ हेल्पफुल मध्ये रहिथिबो तबे निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करबो ओ संगमन को सहित शेयर करबा सो लाइक ते मध्ये करबो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।